हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। क्लास 9 चैप्टर 4 चतुर्थ पाठ कल्पतरु। चैप्टर का नाम है कल्पतरु। कल्प मीन्स कल्प और तरु, तरु मीन्स हो गया वृक्ष, कल्प वृक्ष। ठीक है, इस चैप्टर में कल्प वृक्ष की कथा आएगी और जल्दी चैप्टर पे प्रस्तुतोयम पाठ। ठीक है, इस पाठ के में जो प्रस्तुत है वेताल पंचविंशति न, वेताल पंचविंशति मीन्स 25। तो वेताल की 25 कहानियों की जो एक इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात, 25 कथाएं थी। ठीक है, प्रसिद्ध कथाएं, इनको संग्रहण, इनको एकत्रित करके संपादनम कृत्वा और इनको एक जगह रखा गया, संग्रहित अस्ति। ठीक है ना, एक जगह रखा गया। अत्र मनोरंजक घटना भी, अत्र मीन्स यहाँ, मनोरंजक घटना भी। ठीक है, मनोरंजक रूपी जो घटनाएं हैं, मनोरंजन वाली, विस्मयकारी घटना भी और आश्चर्यचकित करने वाली जो घटनाएं हैं, जीवन मूल्यानाम एवं जीवन के मूल्यों को सिखाने वाली, ठीक है, निरूपण मीन्स दिखाने वाली हैं, वर्तते अश्याम कथायाम पूर्व कालतः एव, इस कथा में। ठीक है, ये जो कल्पतरु जो कथा आएगी आपकी चैप्टर 4 पे, इस पे पूर्व कालतः पुराने समय में एक ग्रहोद्याने मीन्स ग्रह के उद्यान, उद्यान मीन्स होता है क्या, बगीचा, बाग, पार्क है ना। तो स्वग्रह स्वयं के घर में बगीचा था, उसमें स्थित कल्प वृक्षेण, उसमें एक कल्प वृक्ष लगा हुआ था। जीमूत वाहन लौकिक पदार्थानाम न याचते, और जो घर का मालिक था या घर में रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम था जीमूत वाहन, ठीक है, जीमूत वाहन, उसने लौकिक पदार्थों की कोई याचना नहीं की। ठीक है, न याचते मीन्स याचना नहीं की। ठीक है, मतलब घर में उसके स्वगृह उद्यान, उसके घर के बगीचे में कल्प वृक्ष लगा था। कल्प वृक्ष ऐसा होता है जिसको हम अपनी सारी विशेष पूरी करवा सकते, ठीक है ना, हम जो बोलेंगे वो हमारी विशेष पूरी करेगा। फिर भी जो जीमूत वाहन था वो अपनी विशेष न मांग करके और लौकिक पदार्थ था नाम, ठीक है, मतलब जो लौकिक पदार्थ हैं, विशेष हैं, उनको नहीं मांग रहा था। ठीक है, उनकी याचना नहीं कर रहा था। अपितु सह सांसारिक प्राणिनाम दुखानी अपाकरणाय वरम याचते, लेकिन है ना, वो लौकिक पदार्थ ना मांग करके, लेकिन सह वह सांसारिक प्राणी नाम, ठीक है, सांसारिक जो समाज के जो प्राणी है, संसार में रहने वाले जो व्यक्ति पुरुष हैं, दुखानि अपाकरणाय वरम याचते, उनका जो दुख है वो नष्ट हो जाए ऐसा वरदान मांगता था। यतो ही लोक भोग्याः, जैसा कि लोक भोग्य मीन्स इस समाज में, संसार में जो भोगी हैं, ठीक है, या सुख का आनंद लेने वाले भौतिक पदार्थ, भौतिक जो पदार्थ हैं, संसारिक वस्तुएं हैं, जल तरंगवत अनित्यासंति, वो जल की लहरों के समान है। ठीक है ना, जो लोक का, ये समाज का जो सुख है और जो भौतिक वस्तुओं का सुख है, भौतिक पदार्थ हैं, वो एक जल तरंग, तरंग मीन्स होता है तरंगे, क्या, लहरें, तो एक पानी की लहरों के समान अनित, अनित मीन्स नित्य ना होने वाली, ठीक है, मतलब निश्चित ना होने वाली, नष्ट होने वाली है ना। तो कोई भी वस्तु है तो हमारे जैसे पानी की जो लहरें आती हैं वो एक पल के लिए आती है, एक क्षण के लिए, और वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ना। सेम ऐसे जो भौतिक पदार्थ हैं जो सुख देने वाले हैं, वो एक क्षण के लिए सुख देने आते हैं, वो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्थ है ना, जल तरंगवत, वही जल की लहरों के समान है। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति है ना। अस्मिन् संसारे, इस संसार में केवल परोपकार है ना, दूसरों के उपकार करना ही, एव मीन्स ही, सर्वोत्कृष्टम सबसे ज्यादा उत्कृष्ट, सबसे अच्छा, चिरस्थायी, चिरस्थायी मीन्स लॉन्ग टाइम तक रहने वाला, ठीक है ना। यदि हम किसी पर परोपकार करेंगे तो वो सदैव हमारी गुणगान करेगा, ठीक है, वो हमको याद रखेगा। ठीक है, अब चलेंगे अपन चैप्टर के मेन उस पे, सेकंड पैराग्राफ पे चलेंगे। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नागेंद्र है ना, हिमवान नामक एक सर्वरत्न, वहां पर क्या, सभी रत्न पाए जाते थे, ठीक है, सभी ऑर्नामेंट्स वहां पे होते थे। ऐसी एक जगह थी, उस जगह क्या थी, नागेंद्र, जो पर्वतों का राजा, नागेंद्र, ठीक है, पर्वतों का राजा, ऐसी वह जगह थी, उसका क्या नाम था, हिमवान है ना। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। सानो मीन्स क्या होता है, सानो मीन्स चोटी, ठीक है ना, शिखर,
उस पर्वत का शिखर, हिमवान नामक शिखर था, पर्वत था, उस पर्वत के तस्सानो, उस पर्वत के शिखर के ऊपर, ऊपर मीन्स ऊपर, कंचनपुर नाम का एक नगर था, ठीक है, कंचनपुर नाम याद रखिएगा, कंचनपुर। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति ही वसति स्म, ठीक है, वहां जीमूत केतु ऐसा एक नाम का श्रीमान विद्याधरपति, ठीक है, एक महापुरुष विद्याधरपति एक उपाधि होती है, ठीक है, वसति मीन्स रहता था, तो उस कंचनपुर नगर में जीमूत केतु नाम का एक विद्याधरपति रहता था। तस्यो गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः, ठीक है, उसके घर के जो बगीचे में कुल क्रमागत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा कल्प वृक्ष स्थित है ना, तो कल्प का जो कल्प वृक्ष वहां पर स्थित लगा हुआ था। स राजा जीमूत केतु तम कल्प तरुम आराध्य है ना, वह राजा जीमूत केतु जो था तम कल्प तरुम अपने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और तत्प्रसादात उसके प्रसाद से उसके आशीर्वाद से बोधिसत्वांश संभवम बोधि सत्व का अंश रूप जीमूत वाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया, ठीक है ना। तो राजा का क्या नाम था जीमूत केतु और राजा के पुत्र का क्या नाम था जीमूत वाहन, कैसे प्राप्त किया बोधि सत्वांश, ठीक है ना, और कल्पतरु की आराधना की। फिर चलेंगे आगे, सह जीमूत वाहना महान दानवीरा सर्वभूतानुकंपी च अभवत, वह जो जीमूत वाहन था वह महान दानवीर था, ठीक है, दान करने वाला, सर्वभूता अनुकंप, ठीक है ना, सभी जीवों पर दया करने वाला था, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट भी बाकी पढ़ेंगे।